इस बीच अमित शाह बिपरजॉय प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, कहां क्या नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है। और खबर यह भी है कि अमित शाह जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, शेल्टर होम जाएंगे जहां पर लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। तो फिलहाल हवाई सर्वेक्षण करते हुए गुजरात पहुंच चुके हैं अमित शाह, और बिपरजॉय से जो तबाही हुई है, जो नुकसान हुआ है राज्य में, उसका मुआयना कर रहे हैं, उसका जायजा ले रहे हैं। तो ये अहम तस्वीरें हैं, ये बड़ी खबर है। बिपरजॉय तूफान से नुकसान का हवाई सर्वेक्षण हो रहा है यहां पर। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी विपदा आई है, आपदा आई है और राज्य को काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों पेड़ गिरे हैं, बिजली के खंभे गिरे हैं और काफी कहीं जनहानि की भी खबर आई है। तो क्षति कितना हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसका मुआयना कर रहे हैं अमित शाह। तो इस वक्त की अहम तस्वीर, ये बड़ी खबर, बिपरजॉय तूफान से कितना नुकसान पहुंचा है गुजरात को, और सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका रहा कच्छ और सौराष्ट्र। तो एरियल सर्वे करते हुए यहां पर अमित शाह प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। ये आसमान से निगाह रखी जा रही है जमीन पर कि कितना नुकसान पहुंचाया है विनाशकारी साइक्लोन बिपरजॉय ने। तो जाहिर सी बात है, इसको लेकर बिपरजॉय के आने से पहले जब साइक्लोन गुजरात के तटों से टकराता, उससे ठीक पहले से ही लगातार जैसे ही मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारियां आई, पूरा महकमा अलर्ट मोड पर आ गया। कई बैठकें हुई, समीक्षा बैठक हुई, कैसे इस विपदा से जूझना है, पूरे हिंदुस्तान को लड़ना है, और हिंदुस्तान इसमें कामयाब भी रहा। तैयारियां मुकम्मल थी जिसकी वजह से नुकसान बहुत कम हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये कुदरती कहर था, प्रकृति का प्रकोप था जिससे हम बच नहीं सकते। हाँ, तैयारियां अगर अच्छी रहती हैं, हम अलर्ट रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, तो जो नुकसान है, जो क्षति है, उसे कम किया जा सकता है। तो भूपेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। भूपेंद्र, हम यही बता रहे थे अपने दर्शकों को, देखिए हिंदुस्तान लड़ा, बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ा इस विपदा से, आपदा से, और अब भी जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उसका मुआयना कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल, सबसे बड़ा लक्ष्य ही यही था कि जीरो कैजुअलिटी हो, और उसी के मद्देनजर पूरी एक व्यूह रचना जो है वो तैयार की गई थी, जिसके तहत सबसे पहले प्राथमिकता दी गई कितने भी लोग तटीय इलाकों में है उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। ये प्रशासन ने भली भांति किया, जितनी भी जगह उन्हें जरा सा भी खतरा महसूस हुआ उन तमाम लोगों को शिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। उनको ये पता था कि ये तूफान आएगा और ये कहीं ना कहीं इसके चलते पेड़ धाराशायी होंगे, बिजली के खंभे जो है वो गिरेंगे और बिजली आपूर्ति ठप होगी, संचार माध्यम जो है वो टूटेगा। तो इन तमाम चीजों के लिए पहले से ही टीमें तैयार रखी थी। आरोग्य विभाग की जरूरत पड़ सकती है, मेडिकल टीम की जरूरत पड़ सकती है, सेना की टीम की जरूरत पड़ सकती है, एयरलिफ्ट की जरूरत पड़ सकती है, तमाम लोगों को तैयार रखा गया। और इसी तरह से जहां जहां जिसकी जरूरत पड़ी उनको वहां युद्ध स्तर पर कार्य करवाया गया, और यही वजह है कि बहुत ही कहा जा सकता है ये सराहनीय कदम रहा सरकार का कि उन्होंने इस चक्रवात का मुकाबला किया जिसके अंदर एक जीरो कैजुअलिटी हुई। हाँ, बिजली के खंभे गिरे हैं, पेड़ धाराशायी हुए हैं, उन पर उसका कोई काबू नहीं हो सकता। तो ये कह सकते हैं हम कि सरकार ने कोशिश की डैमेज कंट्रोल कम से कम हो, डैमेज कंट्रोल करने की, और वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब भी दिखाई दे रही है। और अब इस समय जो एक काम चल रहा है युद्ध स्तर पर, चाहे वो बिजली आपूर्ति की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो, वो भी, और खुद केंद्रीय मंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, प्रधानमंत्री ने दो बार मुख्यमंत्री से बात करके पूरी चीजों की समीक्षा की थी, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार यहाँ के अधिकारियों के टच में थे, मुख्यमंत्री के टच में थे, इसके अलावा चार केंद्रीय मंत्री को यहाँ भेजा भी गया था राज्य मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेट करके। तो पूरी तरह से एक टीम जो है अलग अलग चरणों में
विभाजित कर दी गई थी और तमाम चीजों का एक सेंटर जो है यहाँ पर स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, वहां से पूरी देखभाल की जा रही थी, पूरा एक कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था, एक लयबद्ध तरीके से कामकाज किया जा रहा था। और अभी जिस तरह से अब वेदर क्लियर हुआ है तो खुद केंद्रीय मंत्री जगह पर पहुंचकर, जैसे मांडवी पहुंचे हैं, सिविल अस्पताल गए हैं, नलिया में गए हैं, तमाम जगहों पर जाकर वो खुद चीजों का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से नुकसान हुआ है। और सरकार की ये भी एक योजना है कि जैसे ही ये तमाम चीजें सुचारू संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण करके उचित मुआवजा जो है वो भी लोगों को दिया जाएगा। जी जी भूपेंद्र, आपने भी जैसा कि बताया कि गृह मंत्री शेल्टर होम जा रहे हैं, प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जो लोग इसके प्रभाव में आए हैं, इसकी जद में आए हैं, उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है गृह मंत्री का? और आपने जैसा कि कहा कि कैसे मदद पहुंचाई जाएगी, तो उसकी उम्मीद हम कब तक करें, कैसे करें? देखिए, बहुत शुरुआती इस समय दिन है, आज पहला ही दिन है जब चक्रवात जो है गुजरा है। पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा क्योंकि 8 जिले जो है इससे प्रभावित हुए हैं, खास करके सौराष्ट्र और कच्छ के, तो ये तमाम चीजों का सर्वेक्षण किया जाएगा। बहुत सारे किसान हैं जो बागायती खेती करते हैं, जिन्हें मतलब जो पेड़ पौधे उगाते हैं, फसलों फलों की खेती करते हैं, उनके बहुत सारे पेड़ जो है वो, केलों की खेती होती है, उनके बहुत सारे पेड़ धराशायी हो गए हैं, खेतों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो सर्वेक्षण के बाद ही पता लग पाएगी कि कितना ज्यादा नुकसान हुआ है, और उसी के बाद मुआवजा जो है वो घोषित किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये सर्वेक्षण किया जा रहा है, पूरी तरह से केंद्रीय मंत्री नजर देख रहे हैं कि तमाम चीजें जो है वो सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। जो गांव में बिजली बाधित हो गई है कई जगह, क्योंकि 2 दिन पहले ही कई जगह पर एहतियातन बिजली बंद कर दी गई थी, और कई जगह जो बिजली के खंभे गिर गए, ट्रांसफॉर्मर जल गए, फीडर टूट गए, उसकी वजह से बिजली बाधित हुई, वो तमाम चीजें पूरी तरह से मुहैया कराई जा रही है या नहीं कराई जा रही, ये तमाम चीजों पर फिलहाल निगरानी की जा रही है। जी बिल्कुल, तो कई बस्तियां उजड़ गई हैं, कई आशियाने उजड़ गए हैं, और अभी आकलन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका भूपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।